खबर उत्तर प्रदेश से है, दारा सिंह चौहान को लेकर। दारा सिंह चौहान को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में इस खबर की पुष्टि की है। इस्तीफे के समय मंत्री दारा सिंह मेरे साथ मौजूद थे, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दारा सिंह का इस्तीफा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दारा सिंह चौहान बीजेपी से दे सकते हैं इस्तीफा, इस सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि हमारे साथ हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने इस खबर की पुष्टि भी की है। हमारे साथ में यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, मैं जब भी इंटरव्यू करता था यहाँ पर तो कहता था कैबिनेट मंत्री, आज कह रहा हूँ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। मौर्य साहब, मुझे एक बात समझाइए कि असर क्या है, आपके कद का नेता, आपके कद के नेता ने पार्टी छोड़ी है इलेक्शन के मौके पर, इसका असर क्या देखते हैं आप बीजेपी के अंदर, किस तरह की हलचल आप देखते हैं? देखिए, मेरा कोई फैसला प्रदेश की जनता की भावनाओं का फैसला होता है, और यही कारण है मेरे फैसले से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिगड़ती भी है और बनती भी है। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इसका? 2016 में बहुजन समाज पार्टी में जब तक मैं था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले पायदान पर बहुजन समाज पार्टी थी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी जबकि सरकार में थी, तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी थी। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा, आपके ही चैनल के माध्यम से 12 बजे रात रिपोर्ट आई कि पहले नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर पहुंची है। बाबूजी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे आपने छोड़ा है, दारा सिंह चौहान साहब वो भी एक कद्दावर नेता है, आपके पुराने साथी रहे हैं, आपके छोड़ने का क्या असर आप देखते हैं? मैं दारा सिंह चौहान साहब की बात कर रहा हूं, क्या उनके साथ भी अन्याय हुआ है? वो स्वयं बहुत ही समझदार, पिछड़े वर्गों के दमदार नेता है, क्या फैसला करेंगे इसकी घोषणा स्वयं करेंगे, छोड़ते या नहीं छोड़ते ये उन पर निर्भर है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देते हुए किसी से कोई वार्ता नहीं किया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, आप साथ आओगे या नहीं आओगे, ना मैंने किसी विधायक से बात किया, ना मैं किसी मंत्री से बात किया। आपके आवास पर क्यों थे उस समय जब आपने इस्तीफा दिया, तो वो बाहर जाते हुए दिखे वहां से आपकी आवाज? इस्तीफा देने के पहले तो हम सभी दूसरे के आवास पे आते जाते थे, इसीलिए आए थे वो तो इस्तीफा के पहले आए थे। इत्तेफाक से जब राज्यपाल जी के यहाँ पत्र पहुंचा, सार्वजनिक हो गया, तो मीडिया वाले आ गए, अब वो बेचारे की हालत में बैठे रहे। लेकिन तो आप क्या लगता है क्या होगा उनका आगे का फैसला? उनका फैसला क्या होगा वो उनके बेहतर पर निर्भर है। एक आखिरी सवाल आपसे बाबू जी, एकदम आखिरी सवाल ये है कि आपने ये जो इस्तीफा दिया है, क्या कोई सूरत बनती है स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी की, चूंकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से खींच करके वापस लाओ, कोई सूरत बनती है? कमान से निकला हुआ तीर कभी कमान में वापस नहीं आता, ये तो तय है स्वाभाविक रूप से, जो शाश्वत नियम है। और तीर जब कमान में नहीं आता तो स्वाभाविक रूप से फैसला भी वापस होने वाला नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में मेरा फैसला अंतिम कील होगा। बहुत बड़ी बात कही है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कि बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील होगा इनका ये फैसला, और इस बात में भी जिक्र कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ। और सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप लगातार लंबे समय से लखनऊ में हैं या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरी में एक लाइन कही कि ये तीर से निकला, ये तरकश से निकला हुआ तीर है, लेकिन आप देखें क्या इसका जख्म बीजेपी को कितना ज्यादा भारी पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हमारी खबर है सुमित, की एक और मंत्री मौजूद थे, एक और कैबिनेट मंत्री मौजूद थे जिस वक्त उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उनके घर में मौजूद थे, ये खबर हमने ब्रेक की थी, और इस खबर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहर लगा दी कि हाँ ये था। अब आप सोचिए, एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और उसी घर में, स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने घर में एक और कैबिनेट मंत्री मौजूद थे,
और ये सीधा संकेत है कि क्या अब होने जा रहा है। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि अगला इस्तीफा दारा सिंह चौहान का होगा, और इसीलिए जो आपने सवाल किया है कि दारा सिंह चौहान का कि माफ कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, उसके बाद के जो इस्तीफे लाइन में आ गए हैं, ये इन्होंने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है और ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि बाकी को कैसे रोके, डैमेज कंट्रोल कैसे करे। जी सुमित, देखिए बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की आपने बात कही, लेकिन मोटे तौर पर अगर अभिषेक अग्रवाल को देखा जाए, क्योंकि बड़ा चेहरा थे, आपने खुद उनसे बातचीत में कहा कि इसकी भरपाई बीजेपी किस तरीके से करेगी, तो क्या आपको कुछ उसका काउंटर मेजर्स नजर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कोई रणनीति? क्योंकि अपनी आपने अपनी बातों में भी कहा कि अगर वापस लाने की बात होती है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य या बाकी के नेता, क्या वापसी के कोई संकेत है इनके? देखिए अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम क्लियर कह रहे हैं कि अब वो वापस नहीं आ सकते हैं, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक रात का फैसला नहीं है, लंबे समय से वो नाराज चल रहे थे, उन्होंने तमाम उनकी शिकायतें थी जो उन्होंने कन्वे भी की थी और उनको कुछ एश्योरेंस दिए गए थे, लेकिन उस एश्योरेंस से वो संतुष्ट नहीं थे। जहां तक बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी अभी उन पर कोई बड़ा अटैक करने के मूड में नहीं है। हमारी जानकारी ये है कि बीजेपी ये मैसेज देगी कि हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बात स्वयं प्रसाद मौर्य भर की नहीं है, बात एक ओबीसी तबके को मैसेज देने की है। उनके स्वयं प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, तो उन पर अटैक करने का मतलब है एक गलत मैसेज ये पॉलिटिकली हो सकता है। तो अभी बीजेपी की ओर से वेट एंड वॉच किया जा रहा है, ये कहा गया है कि हमने एक हम कोशिश कर रहे हैं, केशव मौर्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उनको लेकर के वापस आएं, तो अभी ये सिलसिला बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमको बता रहे थे कि किस तरीके से खास तौर पर बीजेपी इस पर बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और ये बड़ी खबर थी जो TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की, और ये हमारे इंटरव्यू में भी पुष्टि की गई है कि किस तरीके से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दूसरा नाम दारा सिंह हो सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।